हरियाणा के हिसार में किसानों ने प्रदेश भर में टोल फ्री करवाकर भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि हिसार में मैमियड, सरसोद, चौधरीवास, लांधड़ी टोल नाकों को फ्री करवाया गया। किसान आज शुक्रवार को हिसार को सभी टोल नाकों पर पहुंचे और सभी टोलों को फ्री करवा दिया। किसानों ने टोलों पर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ छात्रों ने गाने गाकर भी सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। किसान नेताओं ने कहा कि आज से 27 दिसंबर को सभी टोल नाके फ्री करवाए जाएंगे। किसानों ने फैसला लिया कि 27 दिसंबर को हिसार के लघु सचिवालय में एकत्रित होंगे, जिसमें हिसार व मुढ़ाल के किसान हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाकर दिल्ली जयपुर हाईवे शाहजहांपुर पर जाकर जाम करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि 500 किसान संगठन अपनी मांग को लेकर धरनों पर बैठे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार किसानों की मांग को कब तक पूरा करेगी। दिल्ली में पूरा जोर पकड़ता जा रहा है और शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया जा रहा है। अभी जो भी हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके भी जो आदेश आते हैं उसके आदेश के अनुसार ये आंदोलन चल रहा है। मैं घायल हूँ हमारी जो केंद्रीय जो कमेटी है किसानों की बड़ी संयम से बड़े सूझबूझ से वो निर्णय ले रहे हैं। आज भी ये संदेश आया है कि किसान नेताओं से सरकार समय और स्थान तय करे। वो किसान हमारे उन्होंने कहा कि तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं होते इस बात को नहीं चढ़ेगी। और मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार अपंग हो चुकी है। जो डिप्टी सीएम चौधरी देवीलाल का पड़पोता कहने वाला कृषिंदु के अंदर जहाँ उसका हेलीपैड था, जहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, लोगों ने वो काले झंडे दिखाए और काले झंडे लगा दिए और खड़े खोद दिए। अगर इस प्रदेश का कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप से अगर हरियाणा में किसी गाँव में आके दिखाए तो हम मान जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में उसकी सरकार है। ऐसे है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है इस आंदोलन, इस आंदोलन ने वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक भी ना गलत, इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में। और फिर भी मोदी जी का अभी तक कान में खाद नहीं चलती, कितनी बड़ी बात है। और कानून गलत है, आम आदमी का भी नुकसान है, इन कानूनों का आम आदमी का भी नुकसान है। और अब तक मोदी जी के कान में खाद नहीं चलती है। हाँ, हो सकता है मोदी जी का मुंह तो पजामा तो ढीला होने लग गया, उसका हो रहा है, हो सकता है कानून रद्द कर दे वो एक दो दिन में, लेकिन फिर भी है ना आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है। आज 3 दिन का अल्टीमेटम देके 3 दिन का टोल फ्री करवाया है। अगर सरकार नहीं मानी ना तो ये टोल फ्री परमानेंट भी होगा भाई। और तुष्य चंद्र मैं खास कर बताऊँ क्योंकि वो तो हड़े बैठ के है ना, तो कह गया था मैं टोल पाट दूंगा। आगे दिखा भी को नहीं बढ़िया बच्चा, तो डिप्टी सी एम बन रहा, उसका मौका था टोल पाड़ने का, लेकिन टोल भी उड़ा है। हाँ, वो ले गया भाई टोल पड़ने के नाम पर लोगों के वोट और जाके वहाँ बैठ गए। उसने सभी किसानों के वोट लिए हैं और मैं मानूँ कि अगर किसानों का सबसे बड़ा गद्दार कोई है मोदी भी नहीं है, जितना बड़ा गद्दार दुष्यंत है। दुष्यंत ने तुरंत इस्तीफा दे के उनका नहीं बैठ जाए ना तो मोदी का समझ में भी आ जा भाई कानून तो उल्टे लेने पड़ेंगे। दरअसल क्या है, मोदी सरकार जो है कॉरपोरेट घरानों के जो बड़े जो घराने हैं ना उनके दबाव में है, इसलिए ये जो कानून है ना वापस नहीं लेने लग रही। क्यों? क्योंकि उनने करोड़ों रुपए इनके इलेक्शनों में लगाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में है अडानी अंबानी ग्रुप जो है मोटा पैसा वहाँ लगाएगा, तो इस चक्कर में उनके दबाव में है। और भंडारण का जो कानून है निरय उनको फायदा है कॉरपोरेट घरानों को, और आम आदमी को नुकसान है भाई साहब। 100 रुपये किलो में लगाता 15-20 साल बाद में इसके रिजल्ट आने हैं। जो दुकानदार भाई है, हमारे मजदूर भाई है, मैं उन्हें भी एक बात बताना चाहूँगा, दुकान पर बैठे बैठे भी किसानों की मदद करो, वो फेसबुक से मदद करो, वो व्हाट्सअप से मदद करो, अपना समर्थन दो। घर बैठे बैठे भी आप किसानों की मदद कर सकते हो, समर्थन दे सकते हो। तो रिलायंस का ये अंडाणी ग्रुप पान का सौदा खरीदना बंद कर दो, वेयर हाउस बने हुए हैं, सारी दुनिया ने पता है, सारी दुनिया ने पता है भाई साहब। इस प्रकार ये जो बड़े घराने हैं मोदी सरकार के दबाव में काम कर जाते हैं। साफ बात मैं आपको एक बात बताऊंगा कि टूल जो है आज 3 दिन के लिए फ्री है, किसी भी भाई के 10 रुपये अगर टूल वाले ले लेंगे रात और दिन में तो ये गारंटी अगले 72 घंटों के लिए टूल फ्री कराया जाएगा। सारा हरियाणा किसान उस टूल पर पाओगे, साफ चेतावनी है। सर चौटाला कहना कि भाई कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं और सभी जो है बैठ के यानी कि सिरे चढ़ जाती है और ये आंदोलन की भी बात सिरे चढ़ जाए मगर उसका नाम के तो सिरे चढ़ रही है, उसका नाम की सिरे चढ़ रही है। वो तो माल मारा है बैठे है घरा अपने ठाठ पे, उसका कोई कहता विधायक खिलाफ बोल रहा है, उसने फोन कर है रात में मंत्री बना दू, उतने दारू वाला मैं मत ने दे दूँ, वो विधायक रात पूरा डाकम डाकर सवेरे चंडीगढ़ जाता है ना। मैं तो नुए गया था बोले किसान कहने
5000 करोड़ का माल मारागा जी एक साल में शराब घोटाले में, सबने बेरा है। तू भी देखा आप जी करे है, मैं एक जोटा थम भी मार ले साल भर में। इसीलिए एक मंत्री पद राख रखा है, वो सामने किसी के धरते, सवेरे किसी के धरते, सब अगले दिन किसी के धरते, एक आधे दिन गौतम का भी धर दिया था, वो चुप हो गया था बीच में, फिर उसने ठाके पतने और मेरे ख्याल में बबली के जाद रहा तो गौतम कड़ा हो गया। भाई साहब साफ बात है, दुष्यंत जो है वो बहुत ही गलत आदमी है, इससे बड़ा झूठा एक भी नहीं है। 1,00,000 झूठे मरे थे जब एकला पैदा हुआ था। अरे खड़े आप कह गया था मैं टोल पाट दूंगा, बता भाई पाट दिया टोल। घनी बातें हैं जो वो पहले कह गया, वो सारी की सारी बातें झूठी हैं। आपने मतलब साफ बताऊंगा, आज दुष्यंत जो है सिर्फ रुपये कमाने खातर, सिर्फ रुपये कमाने खातर बीजेपी सरकार के साथ लगा हुआ है, सिर्फ पैसा कमाने खातर। सारे भाई किसी जनता में जाके पूछ ले, एक एक पत्थर पूछ ले, हर आदमी यह बात बताऊंगा। खास बताऊंगे जेजेपी आदमी दे रहा है इस बात का, रुपये कमाने खातर बैठा, कसम दे भाई सारा वर्ग मे रहा जेजेपी आदमी पिछड़े मारने खातर बैठे। अरे एक और खास बात है, रुपये भी सारे आप है, आप कमाओगा। जेजेपी के जो वर्कर है ना, उनने 5 रुपये मिल जाए, हमारे बैठे हैं और बेरा है उनने, तब ना किमें कौन मिला, बदली भी कौन करवाओ उनकी। तो जड़ ने जेजेपी खातर अपना खून पसीना लगाया, किले बेच की लगाए, आज उनके बदली के टोटे हो रहे हैं, रुपये कमाने तो बड़े दूर की बात है। ये दुष्यंत और जो है दो भाई है, दोनों भाई रुपये एक बोलेगा एक रात ने इकट्ठे करेगा, उनका धंधा है। यो हर बात बताओगे मेरा पिट गया उसने, मैं आगे तारी सूत को नहीं आनी, जितना खच्चा जाओ मार खाच ले, तू बालक बालक न जाके पूछ ले। अगर मेरी बात झूठी पाओ तो मेरे जूते मारी यार, जब दुष्यंत के बारे में जो मैंने बात बताई झूठी पाओ है तो मेरे जूते मारियो, मेरा सिर तारा झूठ भाई साहब। मतलब फिर आप आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? आगे की पूरी प्रक्रिया है भाई साहब, पछा टेक के छोटा गण का छोटा को नहीं, हमें बात सुन लो, हम किसान के बालक है, रात में पानी लगावा, हमने कोई दिक्कत थोड़ी किसी प्रकार की, पछा टेकेंगे गारंटीड बात है। अरे पांच जेजेपी विधायक भाजन है तो मेरी गारंटी है, कट्टर साहब का पछा सवेरे धोती हम टिके बाबा, तो बड़नी कुर्सी पर टिक रहा है, जो घमंड की बात करता है, जो कहता है कि ये बोला जो है ये बोला गलत करने लग रहे हैं, ध्यान दिया उसने, बोला ये दिंगा मस्ती, बोला चलने नहीं दिया, दिंगा मस्ती करा हम तो टोल फ्री करा लिया, आ जाए वाड़ा है रोक हम ना। हर बात सुन ले भाई, मैं साफ कट्टर साहब को बताना चाहूँ कि असभ्य तो आप है, कट्टर साहब कहो कि हम असभ्य है, किसान असभ्य ना, खट्टर साहब है सब, हम हमारे वोट ले लिया चौधरी करने लग रहा है, और चौधरी 2-4 साल की है, उसके मोदी के मेरा पहले भी हटा दे, क्योंकि फिल्म भी बन ली, लोग फिल्म बनाते हैं उसकी वीडियो बनाते, खट्टर को हटाओ जी, जान आला है, जानते के पैर है, और जब पूछांगे उसने असभ्य कौन है, क्योंकि वो हमने ऐसे में बताया है, और हम साफ नु कहो हाँ कि खट्टर साहब असभ्य है, ये कितने बड़े पद के ऊपर होते भी उसने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, गलत बयान दिया था। आज मैं उसको बताना चाहूँ कि असभ्य आप हो, हम को नहीं, हम तो देसी आदमी हैं, गाँव में रहने आदमी, हमारे तो भाषा ही है भाई, ये कई आदमी सुनूंगा जी कुर्सी ने तार दिया, और हम देसी आदमी गाँव में होगा भाई कुर्सी ने तार के नीचे पछा टेक दिया, बता भाई हमारी भाषा कड़क ऊपर गलत होगी, हम तो काम के आदमी हैं, काम में हमने यही बात सीखी, यही बोलेंगे ना, इब तू नु बता अंग्रेजी को कर बोला आवे तो कोनी, हमने तो सीधी भाषा आवे, सीधी भाषा हम बात करा, हर बात सुन ले भाई, और बीजेपी वाला ना हम चिंगरा दिए, मैं अपना साफ बात बताऊं, चिंगरा दिए, जब इस देश का किसान चिंगर जा, मजदूर चिंगर जा, दुकानदार चिंगर जा, व्यापारी चिंगर जा ने, तो फिर इलाज करा रहे हैं, ये पक्का इलाज करांगे, टीका कोरोना का मोदी और ने तो पाया नहीं, हमने रखा है ढूंढ, सबसे पहले दुष्यंत का लगावांगे, फिर लगावा खट्टर साहब, अगर फंस गया मोदी तो मोदी के बजा टेकांगे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश दिया था 25, 26 और 27 तारीख को सभी टोल फ्री कराए देंगे, उसी आदेश के अनुसार हमने हमारी हिसार जिला की कार्यकारिणी के अध्यक्ष होने के नाते और मुख्य कार्यकर्ता होने के नाते हमने चारों टोलों को बंद करके रख दिया। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी हांसी तहसील के और हिसार की है, हांसी और हिसार के गणमान्य किसान और मजदूर साथी रात 10 बजे हमारी एक टीम यहाँ पर आ ली और 12 बजे इस टोल को हमने बंद कर दिया, फ्री कर दिया था। 25, 26 और 27 तारीख तक लगातार 3 दिन तक 72 घंटे तक टोल फ्री चलाए जाएंगे, जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश है। इसके साथ साथ ऊपर से जो हमारे को आदेश आया है, हमने जयपुर दिल्ली हाईवे साझा के ऊपर और मजबूती दर्ज कराने के लिए, और एक साइड अभी भी वहाँ पर खाली चल रही है, किसानों ने जाम कर रखी है, उसको बंद करने के लिए, जाम करने के लिए 27 तारीख को जिला हिसार के हज़ारों किसान, मिनी सेक्रेटरी हिसार
और मुंडाल में जत्थे बना करके शाहजहाँपुर बॉर्डर के लिए कूच करेंगे ट्रैक्टर ट्रालियों में। जब तक मोदी सरकार बाइज्जत तीनों काले कानूनों समेत बिजली का और पराली जलाने पर 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल की सजा, ये 5 खतरनाक कानूनों को बाइज्जत वापिस नहीं ले लेते और किसानों से इस गलत कारगुजारी की, धोखेबाजी की माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे देश के किसान और मजदूर को हमने कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सर, बार बार टोल, पहले भी टोल बंद किया गया था और उसके अंदर कई टोलों पे है ना, फिर भी पैसे कट रहे थे, क्या अब की बार भी ऐसा ही रहेगा? अब की बार ऐसा नहीं रहेगा, हमने इनको खुली चेतावनी दे दी है। अगर धोखे से किसी भी गाड़ी वाले के फास्टैग से 25 पैसे भी अगर कट गए तो वही टोल अगले 72 घंटे के लिए फ्री चलेगा। हम 1 पैसा किसी का नहीं कटने देंगे, हम इससे वाकिफ हो चुके हैं। एक सर, आज 40 सदस्यीय कमेटी भी बुलाई गई है मीटिंग के लिए मंत्रियों ने, तो क्या लगता है आपको कोई बासी चढ़ पाएगी? देखो जी, हमारा तो 500 किसान और मजदूर संगठनों का जो शीर्ष नेतृत्व है और उसकी 40 सदस्यीय जो कमेटी है, शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके ऊपर तो हम कोई टीका टिप्पणी करते नहीं, लेकिन सरकार किसान और मजदूर भाइयों को इस आंदोलन को अलग थलग करने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं पर किसी पर किसान का लेबल लगा देती है, किसी पर किसी प्रकार का लेबल लगा करके ये कहते हमने किसानों से बात कर ली। इस धोखे में देश का किसान मजदूर आने वाला नहीं है। हम किसी भी शर्त के ऊपर आंदोलन को बिगड़ने नहीं देंगे और सरकार की इन चालाकियों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो सर, अब आगे का क्या कुछ रहेगा? 3 दिन बाद हम 27 तारीख को वहाँ जाएंगे और दिल्ली को चारों तरफ से जाम करने के लिए ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, हल्का लेवल पर, जिला लेवल के ऊपर हमारी कमेटियां हैं। जन आंदोलन बन चुका है, हर आदमी को, हर महिला को, हर मजदूर, हर किसान, हर कर्मचारी को, मध्यम वर्गीय और गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले सब भाइयों को आंदोलन से जोड़ने के लिए रात दिन हमारी टीम लगी हुई है। हम आंदोलन को जो अब आंदोलन दिखाई दे रहा है इससे भी 10 गुना ज्यादा बड़ा और मजबूत करने के लिए हमने रणनीति तैयार कर ली है। नाम और पद बता दो जी। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, मैं किसान सभा का जिला प्रधान हूं और अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय संघर्ष समिति का भी मेरे को जिला अध्यक्ष का काम सौंपा गया है। ठीक है, आज का तो प्रधान जी ने बता दिया, मैं तो आपसे एक चर्चा करना चाहूँ, मैं तो आपसे खास तौर से ये चर्चा करना चाहूँगा कि ये आंदोलन है जो किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन ने देश की राजनीति में एक बहुत गहरा प्रभाव डाल दिया है और वो इस रूप में साफ दिखाई दे रहा है कि भाई देश की कमेरी जमात जो मजदूर है और कारखाने का मजदूर है, खेती और मजदूर है, वो आज किसान के साथ खड़ा हो गया है और देश का कारपोरेट घराना, पूंजीपति, वो सरकार के साथ चले गए हैं। इसलिए इस आंदोलन ने देश की कमेरी जनता को एक तरफ और देश के जो लुटेरे हैं या कारपोरेट जगत के लोग हैं उनको एक तरफ खड़ा कर दिया है। इसलिए ये आंदोलन देश की राजनीति में बहुत गहरे से प्रभाव डालने जा रहा है। दूसरी बात इसका हम कहना चाहेंगे कि हमें अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। आज देश का प्रधानमंत्री इस सत्र पर आ गया कि वो अलग अलग प्रदेश के किसानों से बात करके ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहीं किसान आंदोलन को हम तोड़ देंगे। तो हम साफ करना चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व परखा हुआ, जांचा हुआ और ठोस आधार पर लड़ाई लड़ने वाला नेतृत्व है, वो बीजेपी के हथकंडों में नहीं आने वाला और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा आने वाली कार्रवाइयों में। जैसा भी होगा, ऊपर से जो भी कॉल आएगी, हिसार जिला की कमेटी पूरे का पूरा उस आंदोलन को खरा उतारेगी, चाहे वो बंद के रूप में आए, चाहे वो हड़ताल के रूप में आए या कोई और कॉल आती है, हम इस बात की गारंटी करते हैं कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हिसार का किसान उस बात को सिरे चढ़ाने के लिए, अपने मजदूर भाइयों के, खेती और मजदूर भाइयों के और कारखाने और कर्मचारियों के साथ मिलके सरकार के ऊपर लगातार अपना दबाव इतना बना के रखेगा कि रस की तरह उसको निचोड़ के छोड़ेंगे, यही कहना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.